जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इस टाइम मैं अभी इवनिंग वॉक पे निकला हूँ। ये है हिरोशिमा से थोड़ा एक घंटे के फासले पे है ये एरिया। यहाँ पे मैं अभी वॉक करने निकला हूँ और जा रहा हूँ मार्केट की तरफ। मार्केट मैंने देखी नहीं है लेकिन कई दफ़ा जा रहा हूँ। किसी ने मुझे हिंट दिए कि आप फलां जगह से जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं लोग वॉक कर रहे हैं, कुछ रनिंग कर रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं और तकरीबन मुझे लगेगा 20-25 मिनट मार्केट तक पहुँचने में लगेंगे। तो ये सामने सिग्नल हैं, रेड हुआ हुआ है, यहाँ पे मैं रुकूँगा थोड़ी देर के लिए क्योंकि इसको मैं क्रॉस नहीं कर सकती, ये वायलेशन हो जाती है। इवन पेडेस्ट्रियन भी नहीं जा सकते अगर ये रेड हुआ हो। तो ये जब ग्रीन होगा तो फिर मैं जाऊँगा। यहाँ पे हिरोशिमा सिटी जाने के लिए बेसिकली आपको एक घंटा लगता है यहाँ से, और यहाँ से आपको बस लेनी पड़ती है। थोड़ा एक साथ आगे जगह है वहाँ से बस लेनी पड़ती है। बस तकरीबन लेती हैं 290 येन। तो ये ग्रीन हो गया सिग्नल, अभी मैं जा रहा हूँ। अच्छा तो बस लेती है 290 येन यहाँ से, और वहाँ से फिर एक लोकेशन है साइजो पहुँचाती है। साइजो पहुँच के फिर वहाँ से अगर आपने हिरोशिमा सिटी जाना हो तो आपको ट्रेन लेनी पड़ती है, और ट्रेन के भी यही गालिबन कुछ चार्जेज होते हैं 250 या 230 येन, उनके अलग होते हैं। वो तकरीबन 40 मिनट में आपको पहुँचा देती है जो हिरोशिमा सिटी है, जो प्रॉपर सिटी है। और वहाँ से फिर आप मुख्तलिफ जो यहाँ की अट्रैक्शन है हिरोशिमा की, जैसा कि एटॉमिक बम डोम है, वहाँ पे जा सकते हो। कुछ फेरी सर्विसेज है वहाँ जा सकते हैं, और भी कई जगह हैं। अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किए, मैं जाऊँगा किसी टाइम आप लोगों को दिखाऊँगा, लेकिन फिल वक्त मैं अभी जा रहा हूँ ये मार्केट तक। अब देखते हैं कि मार्केट कितने फासले पे है, यहाँ से कितनी देर में पहुँचते हैं। अच्छा यहाँ पे ये सामने स्टेडियम है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये रग्बी वगैरह यहाँ पे खेली जाती है। तो ये रग्बी अभी सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रही है मुझे। एक्चुअली मुझे ना वो भी है, फ्लू भी है, कई दिनों से मुझे टेम्परेचर है और फ्लू है। तो बड़ी मुश्किल से आज निकला हूँ इस टाइम पे। मैंने कहा मार्केट भी देख लूँ, वीडियो भी बना लूँ। अच्छा यहाँ पे एक्चुअली ये है चेरी का मौसम है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है ये ट्रीज, सॉरी चेरी नहीं है, मैं गलत बोल बेटा, ये है सकूरा, इसको कहते हैं सकूरा। तो सकूरा ट्रीज यहाँ की अट्रैक्शन है पूरे जापान में, तो लोग इसको देखने के लिए आते हैं सारे जापान से, और बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं स्पेशली ये। और ये होता ही ज़्यादा नहीं, असर नहीं रहता है, दो एक हफ्ते रहता है, दो हफ्ते बाद फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। तो जब तक ये सीज़न रहता है सकूरा का, तो लोग आते हैं और एक्टिविटीज़ करते हैं, मुख्तलिफ फेस्टिवल्स होते हैं। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर।